नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टेक्निकल मेनिया। और इस वीडियो में जैसे कि मैंने कहा था, मैं प्रिंस ऑफ पर्शिया की भी सीरीज़ चालू करूँगा। तो उसका पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको दे रहा हूँ प्रिंस ऑफ पर्शिया रेवलेशंस। ये एक करीबन 250 MB का है फाइल, 250 MB की है। एक्सट्रैक्ट होकर मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे डाउनलोड में रखी है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वाली फ़ाइल की 7Z की। आप जैसे ही इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपको प्रिंस ऑफ पर्शिया की ISO फाइल मिल जाएगी जो कि 381 MB की है। आप डायरेक्टली मीडिया फायर की लिंक देता हूँ मैं हमेशा ही, कोई आपको लिंक शॉर्टनर, लिंक रेक्स या फिर कुछ और नहीं होगा। डायरेक्ट आप जाइए, डाउनलोड करिए और फिर आपको क्या करना है, डायरेक्ट PAP SSPP खोलिए और आप गेम अपना चला सकते हैं। मैं आपको गेम प्ले दिखाता हूँ। तो आप जाइए अपने PPSSPP में और जहाँ आपकी फ़ाइल डाउनलोडेड है वहाँ पे जाइए, मेरी डाउनलोड्स में ही थी। तो ये रहा हमारा प्रिंस ऑफ पर्शिया रेवलेशंस, इसे खोलिए। मैं पहले से ही इसे खेल चुका हूँ, सेव भी कर चुका हूँ इसके गेम प्लेस, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। और ये गेम थोड़ा मेरे उसमें फ़ोन में लैग भी कर रहा था, लेकिन कुछ सेटिंग के बाद मैंने इसे ठीक कर दिया और फिर अभी ये लैग नहीं कर रहा। अगर आपके में भी लैग करे तो जो मैं सेटिंग आपको दिखाऊंगा वही आप फॉलो करिए, तो आपका भी लैग नहीं करेगा। तो डायरेक्ट पहले मैं आपको वो सेटिंग करके दिखाता हूँ। डायरेक्ट आप उस पर जाइए, बैक बटन पर जाइए, सेटिंग्स पर जाइए। और ये आपकी ग्राफिक सेटिंग में आप थोड़ी करनी होगी, जैसे कि आपका ये मोड होगा बफरिंग रेंडर, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। स्किप बफर इफ़ेक्ट्स पे क्लिक कर दीजिए और फ्रेम स्किपिंग आप 1 पे रखिए। अगर आपका फिर भी लैग हो रहा है तो 2 पे रखिए। मेरा थोड़ा थोड़ा हो रहा है और मेरे को एकदम स्मूथ चाहिए था तो मैंने 2 पे रख दिया है। फ्रेम स्किपिंग टाइप नंबर ऑफ फ्रेम्स पे रखिए। और यहाँ नीचे फिर आप आइए, लेजी टेक्सचर कैशिंग पे टिक कर दीजिए। डिसेबल स्लोअर इफ़ेक्ट्स पे भी टिक कर दीजिए। इन सब को करने के बाद आप अपना गेम खेल सकते हैं, आपका लैग फ्री हो जाएगा। जैसे कि मेरा भी शुरू हो रहा है गेम, अभी उसकी स्टोरी लाइन दिखाएंगे। तो मैं आपको वैसे तो उसका गेम प्ले भी दिखा जहाँ से मैंने सेव करा है, लेकिन फिर आपको अजीब सा लगेगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा और आप कहेंगे कुछ फेक वेक आपको लगे, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही दिखा रहा हूँ। तो स्टोरी लाइन में स्किप कर देता हूँ जल्दी जल्दी। मैंने देखिए स्टोरी लाइन भी अपनी भैया चल रही है, और जैसे ही मैं स्किप कर देता हूँ जल्दी जल्दी वन लगता है। हमारा गेम शुरू हो रहा है। करिए, बहुत लंबी स्टोरी लाइन है इसकी और डायरेक्ट स्किप भी नहीं हो सकती, आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना होगा। ये देखिए हमारा हीरो आ गया। मेरा गेम तो लैग नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़े साउंड इफेक्ट्स में आपको लग रहा होगा। और फिर इसके बाद अब आपको असैसिन्स क्रीड का एक और आएगा शायद, मैं उसमें आपको असैसिन्स क्रीड आइडेंटिटी दूँ या फिर असैसिन्स क्रीड का कोई और दे सकता हूँ। तो इंतजार करिए। और फिर जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं स्मैकडाउन हेयर कम्स द पेन लाऊंगा, वो मेरे को मिल गया, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो रही है कि उसको चाहिए उसमें डेवन PS2 से बायो सेलेक्ट करके वो है, लेकिन जो मेरा 3 GB RAM है उसमें ये चल नहीं रहा है, वो दिखा रहा है। फिर आपको OpenGL 3.1 वर्जन चाहिए और मेरा है OpenGL 3.0, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है।
इसलिए मैं फिर आपको भी नहीं दे सकता, क्योंकि जब मेरे में प्रॉब्लम दे रहा है, मेरा 3 GB है, तो शायद आपके में भी। लेकिन अगर आपका MI का फ़ोन है, शाओमी का कोई नया लेटेस्ट है, या फिर 2D है, शाओमी नोट 2 प्रो, तो उसमें भी चल जाएगा आपके, क्योंकि उनके प्रोसेसर अच्छे होते हैं, तो शायद चल जाए। तो इसलिए मेरे में वो चल नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको वो नहीं दे सकता। और या तो मैं ईमू पैराडाइज, जो हमारी PPSS डाउनलोड करने की वेबसाइट थी ट्रस्टेड, उससे करूँ, जो 2.5 GB का एक्सट्रैक्ट हो के मैं कर भी दूँ, लेकिन फिर आपको इतनी स्टोरेज अगर आपको चाहिए, वो गेम 2.5 GB तक की स्टोरेज है अगर आप पे, तो फिर मैं आपको वो दे दूँगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अभी असैसिन्स क्रीड के भी वीडियो आएंगे, प्रिंस ऑफ पर्शिया के तो अभी बहुत आएंगे, क्योंकि प्रिंस ऑफ पर्शिया के बहुत अच्छे गेम्स हैं। जैसे अभी मैं शायद अगला द टू थ्रोन्स दे दूँ, या फिर शेडो एंड द फ्लेम दे दूँ, तो इनमें से कोई एक दे दूँगा। तो जल्दी आएंगे वीडियो, मैं थोड़ा अभी लेट कर रहा हूँ एक एक दिन छोड़ के, लेकिन मैं हर दिन लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है। तब तक आपको गेम प्ले देख ही रहे होंगे आप, गेम प्ले एकदम स्मूथ, जब मैं स्किप करता हूँ तो आपको थोड़ा अजीब लगता होगा, वरना ये गेम प्ले एकदम स्मूथ है। देखिए गेम प्ले, और पहली बात, जो आप क्वालिटी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं रिकॉर्डिंग के समय, उससे मच बेटर है जो मैं खेल रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्क्रीन साथ साथ में गेम को रन करवा रही है और रिकॉर्डिंग भी कर रही है, इसलिए थोड़े ग्राफिक्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है दिखने में, लेकिन ये गेम उससे बहुत अच्छा है, जैसा आप देख रहे हैं। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, इस गेम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, और भी बहुत सारे मज़ेदार वीडियो आते रहेंगे, तो देखते रहिए मेरा चैनल टेक्निकल मीनिया।